शक्ति केंद्र प्रमुख के चुनाव प्रबंधन पीपली मंडल है भाजपा युवा नेता मास्टर देशराज शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि यदि 2019 के चुनाव में लाडवा विधायक अगर सांसद का चुनाव लड़ते हैं कुरुक्षेत्र से, तो मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। मेरे को हाई कमान कहती है तो मैं भी लाडवा से विधायक की दावेदारी की ताल ठोकी। मास्टर देशराज शर्मा सुनिए उन्हीं की जुबानी जनमंच की आजादी न्यूज पर, देखिए लाइव। मास्टर देशराज शर्मा जी के मास्टर जी नमस्कार, जनमंच की आजादी में आपका स्वागत है। जी सर, क्या बताएंगे आप? प्रदीप जी क्या बताएंगे सर, आप पहले टीचर थे और अब राजनीति में आपने रुख किया, क्या कारण रहा आपका? देखिए प्रदीप जी, बचपन से ही हमारा जो रुख है वो बीजेपी की तरफ से है। हमारे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में एक मुलाजिम थे और बचपन में जब हम छोटे थे तो उस समय हमारा काफी, जब बीजेपी के इलेक्शन होता था तो हम बूथ पे जब बैठते थे जाकर काफी खुशी होती थी वहां पे बैठकर, और कुछ ही समय के बाद यानी 10-11 बजे तक ही वहां पे सिमट जाता था सारा कार्यक्रम। इतना मतलब इनका रुझान ज्यादा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता पिताजी एक्सपायर हुए तो मेरी खुद की रुचि हुई कि क्यों ना मैं इस परंपरा को जो अपने घर की है कि बीजेपी से हमारा संबंध है आगे, मैं जुड़ गया उससे। और दिन रात स्टडी करने के बाद एक स्कूल टीचर लाइन पकड़ी है, वो भी चल रही थी, तो टीचिंग में क्या ऐसा रहा कि आप टीचिंग लाइन छोड़ चुकी है? मैंने 10-11 साल आपने टीचिंग लाइन, मैंने 1995 से टीचिंग लाइन शुरू की थी जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ पे एज ए मैं पीटीआई की पोस्ट पे रहा। 2-3 स्कूलों में मैंने एज ए पीटीआई की पोस्ट पे अपना कार्य किया। उसके बाद जैसे ही पिताजी एक्सपायर हुए उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना राजनीति में आया जाए, तो मैंने अपनी ही पार्टी बीजेपी में डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे को बहुत ही सहयोग करते थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कैसे बोलना है, कैसे कैसे अपने विचार रखने हैं, उनकी ही डॉक्टर साहब और जो उधर आप मास्टर थे दोनों का तालमेल मिल गया, आप राजनीति में कदम रख चुके हैं। कौन से समय में आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए मैं शुरू से ही, जब से मेरी वोट बनी है, मैं इस बीजेपी से तो संबंध शुरू से ही है। डॉक्टर साहब इधर दुराड़ा से जब अपनी शॉप पे से आते थे तो वहीं घर पे बैठते थे, विचार विमर्श करते थे बीजेपी के काफी, मतलब हमें भी ये लगता था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो फूल है वो पूरे हरियाणा में अच्छी तरह से खिलेगा, और वो आपके सामने स्पष्ट है कि वो ऐसा हुआ है। और ये सारी मेहनत मतलब कार्यकर्ताओं की, अपने अपने हलके में जिन्होंने पूरा ही जोर शोर से बड़ी दौड़ धूप करी और आप बीजेपी, मतलब जब डॉक्टर साहब वहां पे घर पे आ जाते थे, कोई भी मान लिया नेता पहुंचता था तो डॉक्टर साहब फोन कर देते थे कि यहाँ पे आ जाओ। हमारे गांव से 2-4 ही हम कार्यकर्ता थे, जैसे ही हमारे पे फोन आता था तो हम तुरंत ही पहुंच जाते थे, क्योंकि हमारा जो लगाव था वो बहुत ही ज्यादा बीजेपी से शुरू से रहा। तो उसके बाद पद कोर्सेशन में आपको मिला और क्या रहा? जैसे ही मतलब इलेक्शन हुआ 2014 में तो काफी मेहनत हम लोगों ने दिन रात दौड़ धूप की बहुत ज्यादा, तो उसके बाद तुरंत उससे पहले ही मतलब शक्ति केंद्र प्रमुख मेरे को पीपली मंडल का बनाया गया था, तो अब डॉक्टर साहब के कर कमलों से मैं चुनाव प्रबंधक भी बनाया गया है मेरे को पीपली मंडल का। चुनाव के जो देख रहे थे सारी पीपली मंडल की वो मेरे ही सपूत है, और जब इलेक्शन था तो उस समय सारा जो देख रेख थी पूरे हलके लाडवा की मेरे ही ऊपर जिम्मेवारी थी, सारा मैंने देखा है खर्चा जो भी हुआ है इलेक्शन का सब। क्या 2019 में आपको उम्मीद लगती है कि आपको डॉक्टर पवन सैनी के कल कमलों से कोई और पद भी मिल सकता है और आप अपनी पार्टी का आगे बढ़ाने के लिए कोई और अच्छा कर सकते? डॉक्टर पवन सैनी जी मेरे बड़े भाई हैं, वो तो क्या कृपा कर दें कब कर दें ये तो उनके हाथ में है। सर सुनने में आया कि 2019 चुनाव में डॉक्टर पवन सैनी जो आज विधायक है वो MP की तैयारी भी कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका अगला अध्यक्ष विधायक?
क्या आप उसमें तैयारी करने में जुट जाओगे, कैसा महसूस करते हो, क्या जैसा मतलब ऊपर से आदेश होगा। अगर डॉक्टर साहब एमपी के लिए आएंगे तो हम तो दिन रात एक करके, जैसे भी हमने पहले मेहनत की है, हम दिन रात एक करके अपनी पार्टी को और डॉक्टर पवन सैनी को अच्छी वोटों से जिताएंगे। चलो, डॉक्टर पवन सैनी को एमपी के दावेदार भी जा चुके हैं और आपने उनको पूरा समर्थन भी दे दिया, अगर आपको पार्टी विधायक के तौर पर टिकट दे देती है तो आप क्या दावेदारी ठोकोगे लालू सिंह? प्रदीप जी देखो, जो पार्टी मान लिया कोई दावेदारी कुछ भी देती है, किसी को भी देती है, तो देखो जोर पार्टी खुद लगाती है, वर्कर लगाते हैं, वर्कर जो है एक कर्मठ हमारे मेहनती सारे कार्यकर्ता है। क्या उजार रहेगा 2019 का? 2019 का मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार मैं बोलता भी हूँ कि 2019 में स्पष्ट बहुमत आएगा, हमारे मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं खड़ी होगी। देखिए, जनमंच की आजादी न्यूज चैनल के माध्यम से देश राज शर्मा जी ने कैसे अपनी उपलब्धि बनाई और ये भी जीवनी सामने लाई है कि पहले ये टीचर भी रहे हैं और जो इनके पिताजी थे वो बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके मृत्यु होने के बाद देश राज शर्मा जी ने फिर अपनी बीजेपी की भागदौड़ अपने हाथों में भी ली, कहा कि जब हमारी परंपरा बीजेपी पार्टी से जुड़ी है तो क्यों नहीं हम भी पार्टी में जुड़े। तो ये टीचर होने के बावजूद उन्होंने टीचर की जो लाइन थी उससे हटकर तो बीजेपी में काम करना शुरू कर दिया। ये वरिष्ठ कार्यकर्ता देश राज शर्मा जी को आज कुछ पदों से भी, डॉक्टर के कमलों से, डॉक्टर पवन सैनी है जो उन्होंने अपने कमलों से कराया, और जो एमपी की तैयारी अगर खुदा ना खास्ता तो ईमेलए जो पवन सैनी है, डॉक्टर पवन सैनी को अगर एमपी की दावेदारी मिलती है तो इलेक्शन लड़ते हैं एमपी का, तो उनका पूरा सहयोग रहेगा। 2019 के चुनाव में पूरा समर्थन देश राज शर्मा और देश राज की जो पार्टी है वो, जो इनके कार्यकर्ता है वो सब डॉक्टर पवन सैनी के साथ जुड़े रहेंगे। जनमत की आजादी के लिए बने रहिए प्रदीप के साथ कुरुक्षेत्र।